हाय बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के है ना चैप्टर टू, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलीनोमियल, है ना। और हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे बहुपद के बारे में, है ना। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का घात क्या होता है ना, बहुपद का गुणांक क्या होता है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो बच्चों अगर आप लोग नोट कॉपी बना रहे होंगे हैं, तो अपने नोट कॉपी में लिखिएगा स्टार देकर, है ना, कि बहुपद को, है ना, स्टार देकर लिखना है कि बहुपद को पी एक्स कोमा क्यू एक्स कोमा आर एक्स कोमा जी एक्स, है ना, इत्यादि से सूचित किया जाता है, है ना। बहुपद को पी एक्स कोमा क्यू एक्स कोमा आर एक्स कोमा जी एक्स इत्यादि से सूचित किया जाता है, ठीक है, इत्यादि से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए और बच्चों, है ना, एक चीज और समझिए, है ना, जैसे कि हम लोग कल बहुपद पढ़े थे ना कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पे पावर एन, ना प्लस ए एन एक्स पावर एन के रूप के बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पढ़े थे। तो बच्चों आप लोग इसमें समझना है आप लोग को, है ना, कि ये कहलाता है पद। इसमें हो गया इसका पहला पद, जो क्या हो गया दूसरा पद, योग्य आपका तीसरा पद, योग्य आपका चौथा पद, है ना, ये सभी क्या कहलाता है आपका पद कहलाता है ना। ये हो गया आपका एनवा पद, क्या हो गया आपका एनवा पद, ठीक है। चलिए जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे कोई बहुपद है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन, तो बोलेंगे बच्चों बताइए इसमें कुल कितना पद है, है ना, इसमें कुल कितना पद है, तो क्या बोलेंगे ना, इसमें तीन पद, देखिए एक दो और तीन, इसमें कुल तीन पद, कितना पद है, तीन पद है, ठीक है। जब बोलेंगे बताइए, है ना, एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, है ना, इसमें कितना पद है, है ना, इसमें कितना पद है, क्या बोलेंगे इसमें कितना पद है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, है ना, तो क्या बोलेंगे कि इसमें चार पद है, कितना पद है, चार पद है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बहुपद के पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना, एक बहुपद लिख रहे हैं और आप लोग को इसमें बताना है कि इसमें कुल कितना पद है, ठीक है, लाइव चैट में आपको बताना है कि इसमें कुल कितना पद है। देखिये लिख दें एक्स पावर फोर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू, बताइए इसमें कुल कितना पद है। चलिए देखिए इसमें कितना पद है, तो बहुपद के पद को लिखने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद के पद को ध्यान से देखना है ना, बहुपद के पद को ध्यान से देखना है। देखिए इसमें ये दोनों जो है सेम है ना, एक समान है, जो तो जो पद एक समान रहेगा, है ना, जो पद एक समान रहेगा उसको जोड़ देना है, क्या करना है उसको जोड़ देना है, तो जगह एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो इसमें आप हो गया कुल कितना पद, तीन पद, देखिए एक दो तीन, है ना, कुल कितना पद हो गया, तीन पद हो गया, है ना, इसमें कुल तीन पद हो गया। चलिए तो आप लोग बहुपद के पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा बहुपद का मानक रूप, है ना, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल, है ना, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ना, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो समझिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा होगा, चर एक्स में बहुपद को, है ना, चर एक्स में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है, ना, चर एक्स में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि और केवल यदि, है ना, यदि और केवल यदि एक्स का घात,
है ना, यदि और केवल यदि x का घात बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, यदि और केवल यदि x का घात बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, है ना। जैसे आप लोग एग्जांपल समझिए, ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे मानिए कोई बहुपद यहां दिया हुआ है पहला, ठीक है, x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर फोर प्लस एक्स प्लस टू, है ना, एक्स प्लस टू, ठीक है। और मान लीजिए इसको लिखना है हमको मानक रूप में, है ना, किसके रूप में लिखना है, मानक रूप में। तो करना क्या है इसमें, है ना, एक्स के पावर को देखकर, है ना, एक्स के पावर को देखकर, है ना, एक्स के पावर को देखकर, है ना, इसके पद को या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या तो घटते क्रम में सजा देना है, ना, या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या तो घटते क्रम में सजा देना है। जैसे देखिए इस बहुपद का मानक रूप लिखते हैं, इस बहुपद का मानक रूप लिखते हैं, ठीक है, देखिए मानक रूप, तो इस बहुपद का मानक रूप लिखते हैं। पहला देखिए इसमें आप लोग ध्यान से, है ना, कि सबसे बड़ा पावर कौन है, तो हम देख सकते हैं यहां सबसे बड़ा पावर क्या है, चार है, एक्स पे पावर चार, तो यह पद क्या होगा सबसे पहले लिखाएगा, यह पद क्या होगा सबसे पहले लिखाएगा, x पावर फोर। चलिए इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो यहां देखते हैं x क्यू है, चलिए इसके बाद इसको लिख देते हैं x क्यू, चलिए इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो x स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं प्लस x स्क्वायर, इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो x है, तो लिख दिए x, फिर क्या लिख देंगे अचर राशि, तो ये कहलाएगा, है ना, इस बहुपद का मानक रूप, ये क्या कहलाएगा, इस बहुपद का मानक रूप, है ना, ये कहलाएगा इस बहुपद का मानक रूप। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यू, है ना, प्लस 3x क्यू प्लस 2x प्लस 5, ना, प्लस 5, ठीक है, तो इसका लिखना है मानक रूप। फिर इसी तरह से करेंगे, करना क्या है, x के पावर को देखते हुए, है ना, x के पावर को देखते हुए इसके पद को या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या तो घटते क्रम में सजा देना है, है ना, या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या तो घटते क्रम में सजा देना है, ठीक है। चलिए देखिए इसका लिखते हैं हम लोग मानक रूप, है ना, इसका मानक रूप देखिए लिखते हैं मानक रूप, मानक रूप हो जाएगा आपका क्या चीज, तो देखना है इसमें सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, चार, एक्स पावर चार, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे एक्स पे पावर चार, इसके बाद देखना है इससे छोटा, तो इससे छोटा क्या है, थ्री एक्स क्यू, इसको लिख देंगे प्लस थ्री एक्स क्यू, इसके बाद देखना है इससे छोटा, है ना, इसके बाद देखना है इससे छोटा, तो क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर, है ना, क्योंकि थ्री से छोटा स्क्वायर है, इसके बाद देखना है इससे छोटा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 5, है ना, प्लस 5, ठीक है, यही होगा इसका मानक रूप, है ना, ये कहलाएगा इस बहुपद का मानक रूप, है ना, ये कहलाएगा इस बहुपद का मानक रूप। तो आप लोग एग्जाम्पल में इसको, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे आप लोग, है ना, वीडियो को खत्म होने के बाद भी फिर से वीडियो को शुरू करके, है ना, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों, है ना, हमारा अगला टॉपिक है बहुपद का प्रकार, है ना, बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का प्रकार। तो बच्चों बहुपद को, है ना, बहुपद को दो ढंग से बांटा गया है, है ना, बहुपद को एक पद के आधार पर बांटा गया है और बहुपद को एक घात के आधार पर बांटा गया है, है ना, बहुपद को पद के आधार पर भी बांटा गया है अलग भाग में और बहुपद को पावर के आधार पर भी अलग भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, है ना, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, है ना, कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के आधार पर बहुपद, है ना, बहुत प्रकार के हो सकता है, है ना, बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन, है ना,
तो हम लोग को मुख्य पढ़ना है पांच, है ना। पद के आधार पर बहुपद जो होता है मुख्य पांच प्रकार का होता है, है ना। ऐसे बांटने को तो हम बहुत भाग में बांट सकते हैं, है ना। पद के आधार पर बहुपद को हम लोग बहुत भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको पढ़ना है पांच। कितना? पांच बहुपद के बारे में, ठीक है। तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार में सबसे पहला होगा एक पदी बहुपद, है ना। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक पदी बहुपद, है ना, मोनोमियल, है ना। एक पदी बहुपद मोनोमियल, क्या लिखना है? एक पदी बहुपद। तो बच्चों, है ना, इस बहुपद का डेफिनेशन जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है, है ना। इसमें जितना ही बहुपद दिया हुआ है उस सभी बहुपद का जो डेफिनेशन है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक पदी बहुपद मोनोमियल, है ना, एक पदी बहुपद मोनोमियल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होगा, है ना, जिस बहुपद में एक पद रहता है, जिस बहुपद में एक पद रहता है। हमको इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है पद से, है ना, हमको मतलब है किससे? पद से। तो जिस बहुपद में एक पद रहता है, जिस बहुपद में एक पद रहता है उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, है ना। जिस बहुपद में एक पद रहता है उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, है ना। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में एक पद रहता है, है ना, जिस बहुपद में एक पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, है ना। जिस बहुपद में एक पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें एक पद है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं एक्स क्यू, इसमें भी एक पद है। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं फोर एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक पद है। इसमें भी कितना पद है? एक पद है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। चलिए तो दूसरा हम लोग देखते हैं, है ना, हमारा दूसरा है द्विपदी बहुपद। क्या है? द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, है ना, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, ना। अब द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? तो इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है, है ना। इसका भी डिफिनेशन जो है इसके नाम में छुपा हुआ है, द्विपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में दो पद रहता है, है ना, इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा जिस बहुपद में दो पद रहता है, जिस बहुपद में दो पद रहता है, या दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं जिस बहुपद में दो पद रहता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में दो पद रहता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, या, है ना, दो पद वाले बहुपद को, है ना, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इसका आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस एक्स, चलिए दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, चलिए तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं फोर एक्स क्यू प्लस टू, चौथा एग्जाम्पल लिख देते हैं फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो देख सकते हैं इसमें, इसमें सभी में दो पद, इसमें भी दो पद है, 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 ना, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, ठीक है। चलिए तीसरा, है ना, तीसरा एग्जाम्पल है त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल, है ना, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। तो अब त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, है ना, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे? तो इसका भी डेफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। क्या बोलेंगे? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही होगा, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, या जिस बहुपद में तीन पद हो, या जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, पहला देखिए
एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा हो जाएगा आपका, इसमें तीन पद है, एक दो तीन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें भी कितना पद है, तीन पद है, इसमें भी एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, तीन पद है, इसी क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपदी बहुपद, है ना, क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए तो हमारा आता है ना चौथा नंबर, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, है ना, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, तो शून्य बहुपद कैसे कहेंगे, तो इसमें बोलेंगे ऐसा बहुपद, है ना, ऐसा बहुपद जिसके जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो, है ना, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, है ना, इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, है ना, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, ना दूसरा हो जाएगा जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो इंटू एक्स पावर फोर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यू प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, तो ये सभी क्या है, शून्य बहुपद है, है ना, ये सभी क्या है, शून्य बहुपद है, ठीक है। और शून्य बहुपद में आप लोग एक स्टार देकर लिखिएगा जो वीवीआई रहेगा, है ना, अगर आप लोग से कोई पूछता है कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, है ना, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, तो आप लोग को बोलना है कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, है ना, मतलब शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, है ना, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, तो आप लोग को नीचे स्टार देकर लिखना है कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, है ना, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। चलिए तो हमारा जो है पांचवा है वो है अचर बहुपद, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, क्या है, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब अचर बहुपद क्या होता है ये देखना है, है ना, अचर बहुपद क्या होता है ये देखना है, ठीक है। अचर बहुपद का डिफिनेशन होगा, है ना, अचर बहुपद का डिफिनेशन होगा कि वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, है ना, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो जो वास्तविक संख्या के बराबर हो, है ना, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो और जो वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं, है ना, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो और जो वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है होगा एग्जाम्पल, है ना, होगा जैसे दो तीन चार पांच छ माइनस आठ माइनस दस, ये सभी क्या होगा, अचर बहुपद होगा, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, है ना, ये सभी क्या होगा, अचर बहुपद होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो चलिए बच्चों, है ना, बहुपद के प्रकार में हमारा दूसरा टॉपिक होगा, है ना, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, है ना, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर भी बहुपद को चाहें तो बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं, है ना, बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से पढ़ना है चार, है ना, घात के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, है ना, होने का तो हम लोग बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं बहुपद को घात के आधार पर भी, है ना, घात के आधार पर भी हम लोग बहुपद को बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से पढ़ना है कितना, अभी चार पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है हमारा, है ना, एक घाती बहुपद, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घाती बहुपद, एक घाते बहुपद, लीनियर
पॉलिनोमियल, एक घाते बहुपद। तो जिस तरह से हम लोग पद में पढ़े हैं ना, जिस तरह से हम लोग पद में पढ़े हैं है ना, पद के आधार पर बहुपद, उसी तरह से इसमें भी होगा है ना। तो उसमें पढ़े थे हम लोग पद के आधार पर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर। मतलब इसका जो डिफिनेशन होगा है ना, इसका जो डिफिनेशन होगा वो घात के आधार पर होगा है ना। तो इसके भी नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है ना, इसके भी नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे एक घातीय बहुपद, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं है ना। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, या बोल सकते हैं एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं है ना, एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं है ना, एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पहला x प्लस वन, दूसरा चलिए 2x, तीसरा चलिए हो जाएगा आपका यहाँ पे मान लेते हैं माइनस एक्स। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं है ना, बहुपद का अधिकतम घात कितना है, एक है। बहुपद का अधिकतम घात कितना है, एक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद है ना। ऐसे आप लोग जान लीजिए, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं है ना, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब माइंड में ये सवाल आता होगा कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं है ना, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए है ना, एक घातीय बहुपद को जब हम लोग आलेख खींचते हैं है ना, एक घातीय बहुपद का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा प्राप्त होता है ना। एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रैखिक बहुपद है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक और प्रश्न पूछता है, जैसे पूछेगा आपसे कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप क्या होता है ना, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप क्या होता है ना। तो आप लोग नीचे है ना, एक घातीय बहुपद के नीचे स्टार देकर लिखिएगा कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप है ना, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप ना, समान रूप या व्यापक रूप, समान रूप या समान रूप या व्यापक रूप है ना, समान रूप या व्यापक रूप। ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी होता है ना, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो ना, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर। तो हमारा दूसरा नंबर है द्विघातीय बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद। तो इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है ना, इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, बोलेंगे इसका डिफिनेशन वह बहुपद है ना, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो, या दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं है ना। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, या वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं है ना। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, या बोलेंगे दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं है ना, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए तो इसका जो होगा एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर होगा ठीक है 2x स्क्वायर प्लस x है ना। इसमें हमको पद से कोई मतलब नहीं है, बस हमको पावर से मतलब है, घात से मतलब है। ठीक है,
अधिकतम घात दो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर भी लिख देंगे तो यह होगा क्या, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी लिख देंगे तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो इसमें भी स्टार होगा है ना, इसमें भी अगर आप लोग से कोई पूछता है ना, इसमें भी अगर आप लोग से कोई पूछता है कि द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप क्या होता है ना, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग नीचे है ना स्टार देकर लिख सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप, व्यापक रूप या समान रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ना जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो हमारा तीसरा नंबर है ना त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है ना, इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी इसका परिभाषा क्या होगा है ना, इसका परिभाषा होगा जिस बहुपद का अधिकतम घात तीन हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं है ना, जिस बहुपद का अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या तीन घात वाले बहुपद को, या तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं है ना, या तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हो जाएगा 4xq प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, तीन। लिख सकते हैं xq प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका अधिकतम घात कितना है, तीन। ठीक है, स्टार देकर लिखिएगा नीचे कि त्रिघातीय बहुपद का है ना, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप, व्यापक रूप या समान रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चौथा है हमारा है ना चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है, क्या बोलेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम घात चार हो ना, जिस बहुपद का अधिकतम घात चार हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात चार हो उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं ना, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं ना, या बोलेंगे चार घात वाले बहुपद को, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कितना, देखें x पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस 1। ठीक है, तो हमको इसमें देखना है सिर्फ पावर को है ना, अधिकतम पावर कितना है, चार। तो इसमें भी नीचे आप लोग स्टार देकर लिखिएगा कि चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के होता है ना, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के होता है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के होता है। ठीक है, जहां
ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक क्या बोलेंगे, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए तो इसमें है ना आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, अगर आप लोग से कोई पूछ ले कि एक घातीय बहुपद में अधिकतम कितना पद हो सकता है, अधिकतम कितना पद हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना पद हो सकता है ना, तो थोड़ा सा देखिए, ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी, हो गया आपका क्या चीज, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हो गया आपका द्विघाती बहुपद जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद, चलिए ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के, ओके ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ये हो गया आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद में दो पद है, है ना, एक घातीय बहुपद में कितना पद है, दो पद, द्विघातीय बहुपद में तीन पद है, एक दो तीन, त्रिघातीय बहुपद में चार पद है, एक दो तीन चार, है ना, त्रिघातीय बहुपद में चार पद है, एक दो तीन चार, चतुर्थ घातीय बहुपद में पांच पद है, एक दो तीन चार पांच, है ना, एक दो तीन चार पांच, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना, आप लोग नीचे स्टार देकर लिख लीजिएगा। एक घातीय बहुपद में अधिकतम दो पद हो सकता है ना, एक घातीय बहुपद में अधिकतम दो पद हो सकता है, दूसरा स्टार लिखिएगा, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम तीन पद हो सकता है ना, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम तीन पद हो सकता है, तीसरा स्टार लिखिएगा, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम, है ना, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम चार पद हो सकता है, है ना, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम चार पद हो सकता है, एक और नीचे स्टार देकर लिखिएगा, है ना, एक और नीचे स्टार देकर लिखिएगा कि चतुर्थ घातीय बहुपद में, चतुर्थ घातीय बहुपद में पांच पद, है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद में अधिकतम पांच पद हो सकता है, चतुर्थ घातीय बहुपद में अधिकतम पांच पद हो सकता है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।